सोशल मीडिया पे लाखों फैंस बनाने वाली और पंजाबी अदाकारा मशहूर पिंकी मुगेवाली आज मोगा में जब अपने घर पर पहुंची। पिंकी सोशल मीडिया पे हमेशा अपने ऑफिशियल पेज पर शायरी और लोगों को कुछ अच्छी बातें अपलोड करती है, लेकिन जब किसी ने उनकी फोटो लगाकर फेक फेसबुक पेज बनाया और उस पर अश्लील वीडियो और मैसेज डालने लगे, जब पिंकी को इस बात का पता चला तो उसने इस मामले शिकायत की तो साइबर क्राइम ने जांच कर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करती हूँ और मीडिया ग्रुप का मैं धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल जी, ये जो मामला दर्ज हुआ है, जो आपने देखा है कि एक इंसान, अलग अलग बंदे बैठे मेरा एक पेज, अपने मेरे नाम के पेज यूज़ कर रहे थे, जैसे जो मेरा अपना खुद का पेज है पिंकी संधू एस पिंकी मोगिल, किसी ने पिंकी संधू के नाम का पेज बना लिया और हम लोग, हमारी टीम उसको देख रही है। हम उसको एक दो बार उनको मैसेज भेजे कि कौन है बंदा, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब जब हमने, हमारी टीम ने 15 से 20 दिन महीने तक उसको, मतलब कुछ उस पर कंसिडर किया, वो क्या कर रहा है, वो बंदा मेरे विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई परमिशन, वो मतलब फोटोज यूज़ कर रहा है, मेरी वीडियोज़ यूज़ कर रहा है और साथ साथ ऐसी अब्यूजिंग मैटर वो यूज़ कर रहा है, वल्गर मैटर यूज़ कर रहा है, जो कि एक आर्टिस्ट की डिग्निटी को इफेक्ट कर रहा है, जो कि आपकी इमेज को स्पॉइल कर रहा है। जैसे मतलब आपने जो देखा होगा, जितने भी जो मुझे मेरे फैंस हैं, ऑडियंस मुझे, उन्होंने देखा कि पिंकी एक डिसेंट काम कर रही है, मेरा शायरी का भी आपने डिसेंट वीडियोज़ देखे होंगे, और अगर आपकी वो डिग्निटी इफेक्ट होती है तो इंसान के पास क्या रह जाता है, एक आर्टिस्ट के पास क्या रह जाती है, मतलब एक आर्टिस्ट के पास ऑडियंस ही होती है, ऑडियंस के बिना उसके पास कुछ नहीं। अगर वो ऑडियंस ही आपसे नाराज हो जाए तो आर्टिस्ट किस काम का रह जाएगा। तो क्या क्या महसूस हुआ आपको इसमें, कमियां क्या, मतलब कि नुकसान क्या हुआ आपको? देखो जी, मैंने जब हमें पता लगा तो हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट की और साइबर क्राइम ने अपनी तरफ से पूरा, मतलब इसको वेरीफाई करके कंप्लेंट को, मैंने अभी FIR लॉन्च करवाई है मोगा शहर में। तो और जो ये बंदे हैं जिनके नाम पे अगेंस्ट कंप्लेंट, मतलब FIR दर्ज हुई, उनको भी सबक आना चाहिए और आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर में ये लोग बैठे कंप्यूटर्स में किसी को भी उठा लिया, किसी की भी फैन फॉलोइंग को जो ये करने लग जाते हैं सिर्फ अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, क्योंकि ये लोग मतलब जो ट्रेंडिंग में बंदे होते हैं उनको उठा के उनके नाम का पेज में, मेरी खुद की फैन फॉलोइंग के पेज पे डाइवर्ट होगी और ये लोग पेज सेल कर देते हैं आगे के कमर्शियल, दे उनका ये धंधा बन चुका है। अब उनको एक सबक सिखाना हम लोगों ने, और इसके लिए देखो, एक जब आपकी मतलब डिग्निटी को इफेक्ट होता तो अफकोर्स मतलब वी आर रेडी टू टेक अगेंस्ट एक्शन, लॉ ऑफ फ्रॉड्स डेफेमेशन में हम लोग लेके जाएंगे, इनका मान हानि का 1 करोड़ का इनका दावा रहेगा। इन लोगों को भी सबक आना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और जब देखो जी, फैन फॉलोइंग है मोर देन, आई हैव 2.5 मिलियन फैन फॉलोइंग, 25 लाख के आसपास मेरी फैन फॉलोइंग है ओवरसी इंटरनेट, उनको क्या इफेक्ट पड़ता जब इस तरह के आप मतलब वो देखते हैं कि मैडम के नाम के पेजेस बन रहे हो, कैसे कैसे वल्गर वीडियोस उसमें आ रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता नहीं है, कल्चर अगर आप यूज करते हो तो मैं आपसे एक बार फिर मतलब मीडिया वाले हैं कि इस मतलब थ्रू मैं आप लोगों को इस बात से जागरूक करना चाहती हूँ, जो भी बंदे हैं IT का जिनको थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप किसी का बिना विदाउट परमिशन, अब साइबर क्राइम इतना मतलब जो साइबर के क्राइम्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट ऐसे एक्शन है, ऐसी उनकी कार्रवाई की जाएगी, उन बंदे को सबक आ जाएगा। इसलिए सोच समझ के विदाउट एनी कंसेंट आप कभी भी किसी के कंसेंट के बिना कोई वीडियो कोई फोटो मत यूज करो, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है।